इस समय हम मौजूद हैं मरवान के अपर प्राइमरी स्कूल में और आज यहाँ पर एक विशेष दिन है। अभी यहाँ पर एक समाज सेवी द्वारा किट बांटी जाएगी, कुछ बैग्स भी रहेंगे और विद्यार्थियों की ज़रूरत के सामान रहेंगे। यहाँ पर कुछ समय पहले तक इस तरीके की गैदरिंग नहीं होती थी। इस समय वर्तमान समय में जहाँ पर पारा 40 के पार है, वहाँ पर जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, आप देखेंगे इस स्कूल में आपको बेहतरीन अच्छी गैदरिंग देखने को मिलेगी। अभी भी वर्तमान समय में यहाँ पर 100 से 150 बच्चे उपस्थित हैं और इस स्कूल को एक आदर्श विद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है। मरवान का यह अपर प्राइमरी स्कूल हमारे क्षेत्र में एक मील का पत्थर बना हुआ है। प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं जहां पर अभिभावकों को चूसा जाता है, वहीं पर इस स्कूल में आपको एक बेहतरीन सहूलियत के साथ अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। बहुत सारी स्कूलों में पूरे स्कूल में मिला के जितने बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, यहां पर एक क्लास में उतने बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितनी बेहतरीन राइटिंग में लिख रहे हैं जी। हमारे यहाँ नियुक्ति 2 सितंबर 2011 में हुई है। अच्छा, जब हम यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। बच्चे आते थे, कम बच्चे थे और पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान नहीं हो पाता, फोकस नहीं हो पाता था उनका। अब यहाँ आए तो काफ़ी संगत किए, धीरे धीरे बच्चों को एकत्रित करना, बुलाना और पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि लगाना, फिर धीरे धीरे बच्चे की संख्या थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी। फिर हमारे यहाँ कुछ टीचर रश्मि मैम आई हैं, मनीषा मैम आई हैं, धर्मेंद्र सर आए, तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। घर बच्चों को घर घर ढूंढ कर लाना, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, रश्मि मैम इसमें विशेष योगदान है। उनको राज्य पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अच्छा जी, राज्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और बच्चों के साथ हमेशा दिन रात 24 घंटे लगी रहती है। जिनके द्वारा पुरस्कार दिया है जाना है बच्चों को, हमारे बीच पहुँच रहे हैं सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमें यहीं से शुरुआत की, यहीं से सीखे, यहीं से सब कुछ करके आज यहीं से आगे बढ़े। स्कूल में हम एक से लेकर कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़े थे। अच्छा, और बहुत अच्छी शिक्षा मिली थी, यहीं से पढ़ के आज जो भी है यहीं विद्यालय की शिक्षा की वजह से हैं। अच्छा, और खुशी मिलती है यहाँ पे आके बच्चों को देख के, बच्चों के बीच में सोते, जो हम लोग जो परिस्थिति हमारे समय उस समय पहले थी, अभी परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। सोचते हैं जितना हो सके आज उस लायक बने तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। अच्छा। हम तो बोलते हैं हमें नहीं, सबको मिलकर करना चाहिए, जो बच्चों का मनोबल बढ़े और उनको पॉजिटिव थिंकिंग मिले उन लोग को। और इसमें शिक्षक जी हमारे मास्टर साहब हैं, इन सब का भी थोड़ा मनोबल बढ़े है, सब सहयोग करें। मैं दीपक सिंह हूँ, ग्राम मरवान, और मैं बिजनेस गुजरात में करता हूँ। और बस यहाँ आते हैं, जब भी आते हैं तो बच्चों को बस सेवा करने के लिए आते हैं, अपने सेवा भाव से आते हैं कि जो हो सके बच्चों के लिए वो करें, वो अच्छे से पढ़ें, उनका मनोबल बढ़ा रहे। आज यहाँ क्या कार्यक्रम करने वाले हैं आप? आज हम आए हैं बच्चों के लिए बैग्स हैं, पेंसिल, बुक, रबर्स हैं, सब बस थोड़ा सा बच्चों सबको देना चाहते हैं। अच्छा, कि थोड़ा पाएंगे तो थोड़ा खुशी होंगे और मनोबल और अच्छे से मोटिवेट होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और आगे जाके फिर और भी कुछ करेंगे इनके लिए, धीरे धीरे करते रहेंगे स्कूल के लिए, जो भी और भी कार्य होंगे स्कूल के लिए वो भी हम करेंगे। और हम हमेशा ऐसा करते रहना चाहिए सबको, क्योंकि जिसके पास पैसा है, जो पैसे वाले हैं, वहाँ बच्चे तो जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ। जिनके पास नहीं है यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मेन सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ इनको जरूरत है, सहयोग की आवश्यकता इन लोगों की है, बच्चों की है। सही बात। जिनके पास पैसे हो तो बच्चे पढ़ा ही रहे हैं, उनको सब सुविधा मिल ही रही है। सही बात। इनको नहीं मिल रही है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता की जरूरत है तो इन बच्चों को है, और सबको मिल के आगे बढ़ के इनका सहयोग करना चाहिए, यही सबसे हमारी निवेदन है। अपर प्राइमरी स्कूल मरवान, ये हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दीपक सर अब आ रहे हैं, समाज सेवी दीपक सिंह, बैठिए सर। बेहतरीन यहाँ पर कलाकारी, कलाकृतियाँ बनी हैं दीवारों पर,
और मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्कूल में ये आपको वॉल पेंटिंग दिखाई देगी, वॉल आर्ट्स दिखाई देंगे, सब कुछ किसी पेंटर को नहीं बुलाया गया है, मैम ने किया, रश्मि मैम ने। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप इतनी बड़ी क्रिएटिव भी हैं, इतने अच्छा आर्ट भी बनाती हैं, तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। ये भी देखिए, ये भी जो आपको पेंटिंग्स नज़र आई है, ये भी रश्मि मैम ने बनाई हैं, आपने बनाया है, वाओ, आपकी लेबोरेटरी है। अभी स्मार्ट क्लास होने वाला है, डिजिटल बोर्ड आ गया है, इसीलिए वो सेवेंथ वाला जो आपको डोर लग रहा है वो इसीलिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए, इनको राज्य शिक्षक पुरस्कार मिल गया है योगी जी के द्वारा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए, बहुत प्राउड मोमेंट है। ये रहा हमारा स्कूल, यूपी का बेस्ट स्कूल, का यूपी का बेस्ट स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, वाओ, बार एक्सप्लोर, समझो कि काफी काम चल, जो शख्सियत आपको दिखाई दे रहे हैं इसी स्कूल से पढ़ के, ये यहाँ के भूतपूर्व छात्र हैं, और जानते ही हैं एक छात्र का स्कूल से क्या संबंध होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हर साल ऐसे, हर साल महीने, चार महीने, छह महीने, जो भी तुम लोग को आवश्यकता रहेगी, जो भी जरूरत रहेगी, अपने मास्टर जी को सब बता दिया करो, और आप सबको सब मिला करेगा। अच्छे से सब लोग पढ़ाई करो, पढ़ के आगे बढ़ो और नाम करो सब। जो इस बार जो फर्स्ट आए थे उनको ट्रॉफी मिली थी, अगली बार जो और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी बच्चे फर्स्ट आएंगे उनको और अच्छी चीज़ मिलेगी, और अच्छे से अच्छा हर बार बेहतर करेंगे सबके लिए। और आप सबको, जितने भी बच्चे हैं, जिसको भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है स्कूल में, कोई ऐसा बैठने की चीज़ें नहीं है, या कुछ पढ़ने की चीज़ें नहीं है, या स्कूल में कोई पंखा फैन कुछ भी खराब है, आप अपने मास्टर को बताओ, मास्टर जी हमको बता देंगे, वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी। हम भी यही पढ़े हैं, आप लोग को तो चलो हम आज बैग दे रहे हैं, हम तो फटा हुआ बैग लेके उसको सीके लेके आते थे स्कूल में, हमारे पास तो कापी के पैसे भी नहीं रहते थे, हम यहाँ आते थे पढ़ते थे यहीं, आज पढ़ाई करके आज हम जो भी बने यहीं से बने हैं, इसी स्कूल से बने, यही हमारा विद्या ही, यही स्कूल ही हमारा मंदिर है, सबसे पहले यहीं से हम सीखते हैं जो भी सीखते हैं। आज आप सबके लिए बैग लाए हैं, अच्छे से सब लोग पढ़ना, अच्छे से रखना, और आगे जो भी जरूरतें पड़ेगी हम सब आपको जितना होगा सब कुछ मिलेगा, और अच्छे से सब लोग रोज स्कूल आना, टाइम से स्कूल आना, और अच्छे से पढ़ाई करना सब लोग, ठीक है, रोज स्कूल आना है, रोज रोज आओ, प्रॉमिस, जोर से बोलो, सब प्रॉमिस करेंगे, रोज स्कूल कौन कौन आएगा, और सब लोग अच्छे से पढ़ाई करना, और टीचर्स हैं, सर हैं, जो भी कहेंगे उनकी बात जरूर मानना, क्योंकि अगर उनकी बात मानोगे तभी जीवन में कुछ कर पाओगे, अच्छी शिक्षा पाओगे। सबसे पहला गुरु होते हैं अपने टीचर, उनके सिवा कुछ भी जीवन में मिलता नहीं है, जो भी पहला प्रथम ज्ञान होता है सिर्फ अपने टीचर से ही मिलता है, इसलिए सब लोग अपने टीचर की इज्जत करना, और जो बोलेंगे वो मानना, और रोज डेली स्कूल आना, और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, और हर महीने में आप सबको चॉकलेट बिस्कुट मिलते रहेंगे, जो रेगुलर आते रहेंगे सबको, ठीक है। पुष्पा साहब, आप सब उपस्थित हैं, आप सबकी उपस्थिति में ये सब शुभ कार्य हो रहा है। पहले तो हम तो बैग लेके आते थे, हमारे पास कापी लेने के पैसे भी नहीं देते थे, हम लोग 2-4 रुपए इधर उधर से लेके पढ़ते थे, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 15 साल पहले की बात है, टाइम होता है। इसमें हम सोचते थे कि इसमें हम आज पढ़ लें, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, बस वहीं से चले गए थे, उसी वाले में पढ़ते थे वहीं से चले गए। और आप सबके मनोबल, आप सबकी हिम्मत देख के मैं भी आ गया हूँ, चलो आप सब इतना परिश्रम कर रहे हैं बच्चों के लिए, इतना उनको आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम भी खुश करें, कभी भी कुछ जरूरत रहेगी हमेशा हमको बताना, जो भी हमारे लायक रहेगा जरूर हम सहयोग करेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम जरूर करेंगे, क्योंकि फालतू जगह इधर उधर पार्टी करने से, किसी को देने से, करने से अच्छा है कभी किसी के काम आए, जीवन का सबसे पहला उद्देश्य इंसान का यही होना चाहिए हम किसी के काम आ सके, यही जीवन है हमारा, अगर हम किसी के काम नहीं आए तो जीवन। किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं उसे भगवान कहते हैं।
रोज स्कूल आओगे ना? अरे अभी पिंक अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। वीडियो में आ रहे हैं मैम। चलो एक बार सर जी लोग ताली बजा दी सब लोग। माता की जय।
दोस्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर दीपक सिंह, जो कि इसी स्कूल से पढ़े बड़े और आज गुजरात राज्य में एक बहुत बड़े व्यवसायी भी हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या प्रेरणा मिली अपने गांव में आके गरीब बच्चों को यहां पर टूल किट प्रोवाइड किए, जो भी उनके पढ़ने में उनकी मदद करेगी, और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है दीपक भाई बताइए। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पीछे बहुत लोग समाज सेवा भी करते हैं, बहुत लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो आप इस स्कूल में पढ़े हैं केवल यही उद्देश्य है बच्चों को प्रमोट करना कि कोई, और जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, केंद्र सरकार का चुनाव चल रहा है, क्या उससे संबंधित कोई नहीं? इलेक्शन केंद्र सरकार चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भी इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे प्रोफेसर पढ़ें, पॉजिटिविटी आए उनके अंदर और उनके अंदर थोड़ा पढ़ने का लगाव बढ़े और थोड़ा खुश रहें हम, क्योंकि जो परिस्थिति में हम लोग पढ़े हैं वो परिस्थिति अभी नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल को बच्चों को मिल पाता है वो यहाँ नहीं मिल पाता, इसलिए हम सोचते हैं कम से कम जिस लायक हम हैं, जिससे जितना हमसे सहयोग होता है उतना हम कर सके बच्चों के लिए, बस यही कारण है हमारा, बस यही कारण है। एक प्रकार से समाज सेवा ही कहीं समाज सेवा करना चाहते हैं, हम सोचते हैं बस बच्चे खुश रहें, क्योंकि जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए इंसान को कि जो भी ऊपर वाले जो दिए हैं थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करना चाहिए सबको जिंदगी में। सही बात। तो अभी आपने इस कार्य को पूरा किया, कैसा भी आपको अनुभूत, कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के जो चेहरे पे स्माइल है बस उससे ज़्यादा खुशी दुनिया में और इंसान को क्या चाहिए, बस उनकी स्माइल देखने के लिए लोग कितना तरसते हैं, और वही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि जो बच्चे हैं उनके किसी को हम खुशी दे सके, उससे बड़ी खुशी जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर किसी के हम खुशी में, किसी के मुस्कान के लिए कुछ काम आ सकें, बस वही जीवन समझ लो, वही सफल जीवन है इंसान का। बस हमारा सदा यही कोशिश रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग में या किसी के काम आ सके, हमारा जीवन वही सफल है हम समझते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत अच्छे से आपने सब लिया, और आप मैं इसलिए सब कर रहा हूँ कि आपको इसलिए बोला, आपके माध्यम से मैं हर जगह पहुँचाना चाहता हूँ कि लोग देखें, और यही नहीं और भी जो स्कूल हैं क्षेत्र में और भी जगह जो भी हैं सब आगे आके थोड़ा मदद करें, और ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं और उनका मनोबल बढ़ाएं, जो कि बच्चे पढ़ सकें, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी उतनी असमर्थ है थोड़ा, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो सरकारी में खुशी से पढ़ाने आएँ कि नहीं, प्राइवेट से अच्छा हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल, ग्रामीण स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और खुद पेरेंट्स उनको लेके यहाँ पे आए और नाम लिखाए और यहाँ की शोभा बढ़ाएं अपने जो ग्रामीण स्कूल हैं उनको। बोलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अनिल ओझा शो, अनिल ओझा शो है, इनको आप सब सब्सक्राइब करो और इनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि इनके माध्यम से हम सब एक जान सकते हैं और समाज सेवा हो सकती है, समाज में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो पहुँच सकती है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।